नमस्ते वास्को की मीता के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब दोस्तों? भाई मुझे एक बात बताइए, त्योहारों में क्या सिर्फ ट्रेडिशनल रेसिपीज ही बन सकती हैं? राखी का त्यौहार आ रहा है, राखी का टाइम आ रहा है, किड स्पेशल है, तो बच्चों को तो यही सब चीज़ें पसंद आती हैं, तो क्यों ना हम बनाएं सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से एक बहुत बढ़िया ग्लास में केक मूस। हाँ जी, हमको अवन भी नहीं चाहिए, हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए, बस दो चीज़ें और आपका इतना बढ़िया केक मूस रेडी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है, आप भी मेरे साथ में बनाइए खूब बढ़िया खूब टेस्टी केक मूस। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे अपलोड्स की मिलते रहें। तो जैसे मैंने कहा हमको अवन नहीं चाहिए, तो कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने सॉल्ट यूज़ किया है, बेस में डाल दीजिएगा, एक रिंग रख दीजिए इसके ऊपर और इसके ऊपर हम एक प्लेट रख देंगे। हाँ जी, हम अपनी कढ़ाई को प्री हीट कर रहे हैं केक बेक करने के लिए, तो बस ये इस तरह से आप लो से मीडियम फ्लेम पे रख दीजिएगा। चलिए छोटे छोटे मैंने ग्लासेस ले लिए हैं, शेप आपके पास कोई भी हो छोटे ग्लासेस का वो चलेगा, पर इसको खूब अच्छे से ग्रीस कर दीजिएगा ताकि हमारा केक इसके अंदर चिपके ना बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें हम बटर पेपर तो लगा नहीं पाएंगे। और ये है मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, ओरियो बिस्किट ले लीजिए और उसको निकाल दीजिए पैकेट में से। दो बिस्किट मैंने लिए हैं बड़े वाले पैक्स, और उसको मिक्सी जार में लेकर के हम इसको अब ग्राइंड करने वाले हैं। तो बस ये सब मिक्सी जार में डाल दीजिए और खूब बढ़िया तरीके से महीन ग्राइंड कर लीजिएगा इस तरह से। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, खूब सॉफ्ट है टेक्सचर और इसके अंदर क्रीम है, तो आपको बटर की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखिए एक बार खाली आप इसको मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध। दूध आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत हो। तो यहाँ पे देखिए खूब बढ़िया तरीके से आपको इसको मिक्स कर लेना है, बहुत पतला भी नहीं रखिएगा और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐड डालिएगा ताकि टेक्स्चर हमारा ठीक रहे, वरना होगा क्या, आपको थोड़ा सा बिस्किट और फिर ऐड करना पड़ेगा। तो ये सही है, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी कितना लिया है हमने। तो बस खूब बढ़िया तरीके से ये देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, मैं थोड़ा सा दूध ये देखिए बच गया था, इनो फ्रूट सॉल्ट डाल दिया है, उसी के ऊपर एक चम्मच में डाल दूंगी दूध और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये इंस्टेंटली फर्मेंट हो जाए। लोग करते क्या है, इनो डाल देते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर दूध या कुछ पानी नहीं डालते और फर्मेंट भी बहुत बढ़िया नहीं होता, तो टेक्सचर अच्छा नहीं आता, फिर आप कहते हैं कि हमारा तो आया नहीं। तो भाई मैंने तो बता दिया था, आप इसी तरह से करिएगा। चलिए ग्लासेस भर देते हैं अच्छे से उसको मिक्स करके। अच्छा, ग्लासेस सिर्फ हाफ हाफ ही भरिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा वरना ये सारा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमारा जो ग्लास है वो नीचे से छोटा और पतला है। तो ये जिस तरह का आपका ग्लास है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। चार ग्लासेस मेरे भर जाएंगे, तो देखिए ये इस तरह से हाफ हाफ ग्लास मैंने भर दिए हैं। चलिए हमारा प्री हीट हो गया है और इसके ऊपर मैं अब ये ग्लासेस रख दूंगी और इसको हम ढक करके 20 से 25 मिनट के लिए बेक करने रख देंगे लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर। तेज़ नहीं करिएगा वरना ये कच्चे भी रह जाएंगे और जल भी जाएंगे। तो बस इसी तरह से देखिए ढक दीजिए अच्छे से और लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढक दीजिएगा और बेक कर दीजिएगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से हमारे ये देखिए कितने बढ़िया हो गए हैं ना केक, एकदम अच्छी तरीके से बन गए हैं। आधा घंटा करीब मैंने छोड़ दिया था इसको ठंडा होने के लिए, अब इसको डीमोल्ड कर दिया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से सारे हमारे ग्लासेस में से केक निकल आए हैं। चलिए ये तो हो गया है, अब आप इस केक को एक डब्बे में बंद करके रख दीजिएगा 1 से 1.5 घंटा, ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए क्योंकि हमको इसको स्लाइसेस कट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हम इसको अब रख देंगे। चलिए यहाँ पे मेरे पास में व्हिपिंग क्रीम है, बोल को भी ठंडा कर लीजिएगा व्हिपिंग क्रीम के साथ में ताकि खूब बढ़िया इफ़ेक्ट आए, और ब्लेड्स को भी ठंडा कर लीजिएगा, और पहले लो और फिर मीडियम और उसके बाद में ही हाई स्पीड पे जा कर के स्टिफ पीक्स तक जब तक आपके पास में ना हो तब तक आपको इसको अच्छे से बीट कर लेना है। आपके पास अगर ये इलेक्ट्रिक बीट नहीं है बीटर तो आप विस से भी अच्छे से कर सकते हैं, और अगर आपके पास में आपको लग रहा हो कि विस से नहीं होगा तो मिक्सी जार को आप
ठंडा कर दीजिएगा क्रीम के साथ में, और फिर उसके अंदर भी करेंगे तो खूब बढ़िया तरीके से हो जाएगा। हम उसका भी एक वीडियो जल्दी ही लेकर के आएंगे। देखिए खूब अच्छे से ये फिट गया है, टर्न करके देखिए बिल्कुल गिर नहीं रहा है, मतलब हमारी क्रीम रेडी है। चलिए मेरे पास में यहाँ पे घर का बनाया हुआ चॉकलेट सॉस है, जिसकी रेसिपी मैंने ब्राउनी वाले वीडियो में बताई थी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। थोड़ा सा मैंने चॉकलेट सॉस डाल दिया है, आपके पास अगर कोई और बाहर की कंपनी का हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, बस चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। अच्छा यहाँ पे अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर का नहीं बनाना हो, स्ट्रॉबेरी का डालना हो, तो स्ट्रॉबेरी का कंपोट भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से स्टिफ पीक्स आ गए हैं, हमारी क्रीम एकदम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब मैं इसको भी कम से कम आधा से पौना घंटे के लिए या एक घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज के अंदर, ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत बढ़िया तरीके से, ये देखिए ये गिरना नहीं चाहिए, मतलब ये एकदम परफेक्ट है। चलिए 2 घंटे करीब हो गए हैं, सब चीज़ फ्रिज में रखी थी। अब इस तरीके के मैं ग्लासेस ले रही हूँ प्लास्टिक के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, किसी के पास में एक से कांच के ग्लासेस लंबे वाले नहीं होते हैं, तो बस इसी तरह से देखिए आप टेक्सचर देख रहे हैं ना कितना बढ़िया है, और आप इस तरह से स्लाइसेस अपने केक के काट दीजिए ग्लास केक्स के। उसके बाद में हमको करना ये है कि यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया, ये मेरे पास में पाइपिंग बैग है। अच्छा पाइपिंग बैग और नोज़ल आपके पास ना हो तो चिंता कोई ज़रूरत नहीं है करने की, आप कोई भी दूध की थैली या कोई भी जिपलॉक बैग के अंदर भी डाल के काट सकते हैं और कर सकते हैं, इसमें नोज़ल की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, आप बिना नोज़ल के भी बना सकते हैं। तो चलिए ये देखिए ये इस तरह से करके नीचे से मैं कट कर दूँगी, और हम इसको हमारी पाइपिंग बैग रेडी है क्रीम के साथ में। तो यहाँ पे चलिए अब हम अरेंज करना शुरू करते हैं। ग्लास में मैंने पहले सबसे छोटा पीस डाल दिया है क्योंकि बॉटम इसका छोटा है, साथ में उसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी क्रीम जो हमने व्हिप करके रखी हुई है। अच्छा यहाँ पे मैं टॉप पे चॉकलेट चिप्स डालने वाली हूँ, पर अगर आपके यहाँ पे बच्चे हैं और उनको पसंद है तो आप क्रीम के साथ साथ में भी एक्स्ट्रा चॉकलेट चिप्स या नट्स कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम ये लेयर्स लगाते चलेंगे क्रीम का और केक का। तो एक कप ग्लास वाला जो आपका एक केक है, वो उसमें एक ग्लास इस तरह से बन जाएगा। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, मूस का टेक्सचर बहुत बढ़िया आया है, और जब हम इसको अभी और फ्रिज में रख कर के सेट करेंगे तो एकदम परफेक्ट टेक्सचर आ जाएगा, कि कोई भी नहीं कह सकता कि ये एगलेस मूस है। तो बस इसी तरह से देखिए आप बना करके सारे सेट करके रख दीजिएगा फ्रिज में, 5 से 6 घंटे फ्रिज में छोड़ दीजिए, और इस तरह से चॉकलेट चिप्स के साथ में सर्व कर दीजिए। देखिए मैंने एक ग्लास को लिटा करके रखा हुआ है दिखाने के लिए कि टेक्सचर कितना उसका बढ़िया हो गया है और बाहर भी बिल्कुल नहीं निकल रहा। तो बताइए रेसिपी कैसी लगी, बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छा लगा हो तो फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए कट करके भी आपको दिखा देते हैं, देखिए कितने बढ़िया तरीके से टेक्सचर, देखिए मूस का कितना बढ़िया सेट हो गया है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से फैमिली से भी करवाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।